सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। आज हम बात करेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि वो कौन सा पैटर्न होता है, क्योंकि मार्केट में या अपने अगर हम बात करें तो इंट्राडे या लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत से ऐसे पैटर्न बनते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि यहाँ से एक प्राइस ब्रेकआउट या प्राइस ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत से पैटर्न है, उसी में से एक है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो वो आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखाया जाएगा जो बना है, जो हमें एक रिवर्सल दे सकता है उस लेवल को तोड़ने में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बना और जहां से रिवर्सल आएगा आपको अच्छे खासे टारगेट्स अचीव होते हुए दिख जाएंगे। तो मैंने आपको कल जो बताया था, सिखाया था कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आपको मैं प्रीवियस तरीके से सिखाता था, मैंने उसे चेंज कर दिया और मैं आपको ट्रेंड लाइंस के बेसिस में सिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करना ही सीख जाएंगे तो आप मार्केट को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस, ये इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में जाके हमें शॉर्ट करना है, सपोर्ट पे जाके इसे बाय करना है। तो सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस से ही आप समझ सकते हैं। अगर आप वो सर्विस चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताने चाह रहा हूँ। अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो कौन से तरीके के पैटर्न बनते हैं, तो बटरफ्लाई, गैटले, AB = CD का पैटर्न होता है, साइफर होते हैं, बहुत से ऐसे तरीके के पैटर्न होते हैं जो बनते हैं। तो इसमें से एक है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं चार्ट में। यहाँ पर आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करते हुए दिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मैंने ट्रेंड एनालिसिस बनाई हुई है। अगर मूविंग एवरेजेस भी हटा देते हैं तो भी हम पता लगा सकते हैं कि सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस से हम कितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस और ट्रेंड लाइंस बनाने से ही हमें अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाता है। तो मैं आपको मूविंग एवरेजेस हटा देता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपको कैसा शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस बनाई हुई है और आपको अब मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने जा रहा हूं। ये देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है बॉटम में। ऊपर की तरफ अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो हम कह सकते हैं अगर उसका ब्रेकआउट होता है या उस ट्रेंड को तोड़ता है तो हम अपर साइड के लिए ही निफ्टी को बाय करते हैं। पर इसने देख सकते हैं कि नीचे साइड में अपने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर ये इस नेक लाइन जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, अगर इस नेक लाइन को ये तोड़ता जो कि 10,765 का लेवल है, तो हम कह सकते हैं इसका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और जो इसके लेवल्स बनते हैं 10,700, और जो नेक्स्ट लेवल होगा इसका वो होगा इसका जो शोल्डर बना था 10,600 के पास। तो अगर हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है तो ये मैंने आर्ली चार्ट्स ओपन रखे हुए हैं। तो आर्ली चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि ये एक एनालिसिस है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ये इस लेवल से ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन करता है या इसके नीचे जगह जाके क्लोजिंग देता है और 2 दिन सस्टेन करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 10,600 का हो सकता है। अब बीच में ऐसे इस लेवल या जो 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स की जो ये लोअर सर्किट लगाएगा, जो लोअर डाउन बनेगा, तो उसमें बीच में ऐसे बहुत से रेजिस्टेंस भी होते हैं जहां पर वो टेस्ट करके शायद अपना एक बाउंस दे सकता है। तो वो रेजिस्टेंस फाइंड हमें करने होते हैं। वो रेजिस्टेंस के लिए मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, पिवट पॉइंट्स लगाते हैं और थोड़े बहुत इंडिकेटर्स लगाते हैं। वो आप आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सब कुछ करना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है जिसका रिवर्सल साइन हमें तभी मिलेगा शॉर्ट करने के लिए जब ये 10,765 के नीचे जाके क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है। तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो 10,700 तक का बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप देख सकते हैं इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करा, इसके ऊपर ही गया था पर ये एक सपोर्ट का काम कर गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक पिवट पॉइंट दिख रहा होगा, ये एक इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इस रेजिस्टेंस से इसने टेस्ट करा, वहां से हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा और नीचे के लेवल्स बन गए।
पर वो ज्यादातर वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया था, और वो इसने इस लाइन के ऊपर फिर ये चला गया। और वहां पर जो मैंने ये एक अपनी ट्रेंड एनालिसिस से रेजिस्टेंस बनाया था, उस रेजिस्टेंस के पास जाके इसने फिर एक गिरावट आते हुए दिखा दी, जो कि था 10,850 का लेवल। अब मैं आपको एक वीकली चार्ट में लेकर चलता हूँ और आपको एक स्ट्रॉन्ग चीज दिखाता हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो है जिस लेवल को अगर वो क्रॉस कर दे तो हम कह सकते हैं कि 11,000 तक का लेवल भी बहुत दूर नहीं है। तो वो है 10,850 का लेवल, वो आपको दिखाया जाता है। ये एक लेवल है जो आपको यहाँ पर लेवल शो कर रहा है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसने आप देख सकते हैं कि इसने एक तरीके से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, तो ये वीकली चार्ट में नहीं बना, ये एक लेवल है जिसे वो ब्रीच नहीं करना चाहता है, और 10,850 का लेवल है जो मैंने आपको कल की सेशन की वीडियोस में भी बताया था। तो अगर ये 10,850 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता तो जो हमारा नेक्स्ट बनेगा वो 10,960 का टारगेट बन सकता है। तो उसके लिए वीकली चार्ट में जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, हमने आज भी मार्केट में देखा था 10,850 के लेवल के आसपास आया, वहां से हमने एक शॉर्टफॉल गिरावट आते हुए देख ली थी निफ्टी के अंदर। तो वो एक रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर उसको तोड़ देगा तो हम कह सकते हैं ऊपर के लेवल्स बन सकते हैं। तो अभी हमें ना बाय साइड में पोजीशन बनानी है ना शॉर्ट साइज में पोजीशन बनानी है। अब हम आ गए हैं डेली आर्ली चार्ट में बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न शो कर रहा है, पर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको शो कर रहा है वो इस तरीके से शो कर रहा है, आपको दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न शो कर रहा हो, ये आप देख सकते हैं, ये इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अब जो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये लेवल करेगा, जो इसका शोल्डर का अपर रेंज है वो इसका एक स्ट्रॉन्ग काम करेगा, जो कि है 26,700 का लेवल। तो हम देख सकते हैं कि आज वो 26,650 के आसपास गया था, वहां से हमने एक रिवर्सल आते हुए देखी थी, और जहां इसने सपोर्ट लिया है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस करी थी, जो मैंने एक सपोर्ट बनाया था प्रीवियस अपने जो चार्ट्स को देखकर, वहां पर ही जाके इसने अपनी क्लोजिंग दिया, वहीं वहीं पर जाके इसने अपना बॉटम बनाया। तो अब इसने जो बॉटम बनाया अगर उसे ब्रीच कर देता है जो कल का लेवल होगा, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए आएगा वो 26,250 या 26,250 का बनते हुए आएगा। उसके बीच में अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर वो रुक सकता है, तो आप देख सकते हैं आली चार्ट में आपको 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रहा है 26,350 के आसपास, तो वहां पर एक थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है, और अगर उसको भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बनता है 26,200 तक का बन सकता है। तो ट्रेंड एनालिसिस हमें बताती है कहां पर रेजिस्टेंस, कहां पर सपोर्ट है, उसके बीच में हमें फिर देखना पड़ता है कि उसके बीच में कहां पर ऐसी जगह है जहां पर वो रुक सकता है थोड़ी देर के लिए और हमें अच्छे खासे टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस से आज पूरा समझाया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक करिए, और मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको एक खास चीज बताने वाला हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, अभी अगर हम रिसेंट बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस में खबर आई थी कि वहां पर एक स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो उससे पर्टिकुलर स्टॉक में क्या इंपैक्ट पड़ता है, बायबैक होते हैं शेयर्स तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है, बोनस होता है, मैलवेशन होता है, इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है, तो इन पांचों चीजों से अब पर्टिकुलर स्टॉक में क्या इंपैक्ट होता है, बाय साइड में हमें उसे परचेज करना चाहिए या सेल करना चाहिए उसे, तो वो एक मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको वो लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो आपको तुरंत मिलती रहे। और एक खास चीज और इम्पोर्टेंट चीज जो पूरे यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, सब लोग आपको एक चीज जरूर बताते होंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि ये एक हम आपको दिखाते हैं ये एक लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम कहते हैं कि यहां से हमें अपनी बाइंग पोजीशन बनानी होती है, पर हम देखते हैं कि यहां से तो ये ब्रेकआउट ऐसे दे देता है, इसके ऊपर चले जाता है इस लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर, फिर उसके बाद एक कंसिस्टेंट हमें फॉल देखने को मिल जाता है इस तरीके से। तो वो क्यों होता है, हम सब आपको न्यूज चैनल्स वाले बताते होंगे कि इस लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया है तो अब हमें बाइंग पोजीशन बनानी है, हेविली वॉल्यूम्स आ जाते हैं वहां पर और वो लेवल उसके ऊपर चले जाता है, ब्रेकआउट लाइन को ऊपर तोड़ देता है, तो वहां से हम एक दो दिन बाद शॉर्ट ऐसी गिरावट आते हुए देखते हैं जिसका अनुमान किसी को नहीं होता। तो वो ऐसा क्यों होता है कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद भी वो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक इतना नीचे आ जाता है कि हमें लगता है कि हम फंस गए हैं और हम सब लोग रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो एक ये बहुत खतरनाक चीज है जो सबको पता होनी चाहिए, जो FIIs है वो बहुत तरीके खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं। आप सब लोगों को डाटा हर दिन मिलता होगा कि FIIs सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, पर वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वो आपको पूरा एक फॉर्मेट से, आपको पूरा एक वेरिफिकेशन प्रूफ से आपको दिखाया जाएगा
कि एक्चुअली प्राइस ब्रेकआउट के बाद वो एक गिरावट क्यों आ जाती है जब सारे न्यूज चैनल्स बोलते हैं कि इस लेवल में हमें बाय करना है और हम लोग क्यों ट्रैप हो जाते हैं। उसके लिए वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वो भी अप टू डेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आपको ये दोनों वीडियो चाहिए स्टॉक स्प्लिट की और जो मैंने आपको अभी प्राइस ब्रेकआउट की बताई है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और एक लाइक तो इस वीडियो को देना बनता ही है। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वो नोटिफिकेशन आपके ऐप या आपके यूट्यूब के थ्रू आपको मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो इजिली देख पाएंगे बिना सर्च में आप जाए। और अगर आपको ये जो भी आपको मैंने वीडियोस बताई हैं, अगर आपको ऐसी नॉलेजेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए। और वीडियो भी आपको कैसी लगी मुझे ट्रेंड एनालिसिस से करके बताइए कि ये जो मैंने आपको आज सिखाया आपको कैसी वीडियो में लगती है। और मैं आपसे मिलता हूँ कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साइनिंग।